नमस्कार दोस्तों, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं तरबूज का मिल्क शेक, जो बहुत ही टेस्टी होता है और ये बच्चों को बहुत पसंद होता है। तो आइए देखिए इनमें किन चीजों की जरूरत होती है और ये कैसे बनता है। तो ये सबसे पहले मैंने ले लिया है तरबूज और इसे पीस में कट कर लिया है। और आपको पता है कि गर्मियों में तरबूज बहुत ही आसानी से मिलता है, तो आप एक बार जरूर इस रेसिपी को ट्राई करें। और यहाँ पे मैंने लिया है फ्रेश क्रीम, तो बिल्कुल ये घर के दूध का क्रीम है, आप चाहें तो बाजार से भी ले सकते हैं। और ये ले लिया है मैंने चीनी, चीनी मैंने बहुत कम लिया है क्योंकि तरबूज पहले से ही मीठा होता है। और ये ले लिया है मैंने आइस क्यूब, और ये लिया है मैंने एक गिलास के करीब मिल्क यानी कि दूध। तो बहुत ही कम सामग्री से हम मिल्क शेक बनाएंगे, और मैंने ये सामग्री 2 गिलास मिल्क शेक के लिए ली है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये छिलके को हमें तरबूज से अलग कर लेना है। हमें तरबूज का लाल हिस्सा ही चाहिए, सफेद हिस्सा बिल्कुल नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सारे को हम कट करके छिलके अलग कर लेंगे तरबूज से। और अब देखिए यहाँ पे मैंने सारा छील लिया है तरबूज को, और ये बीज को मैं निकाल दूंगी क्योंकि हमें बीज बिल्कुल नहीं चाहिए मिल्क शेक में, नहीं तो ये तरबूज मिल्क शेक को खराब कर देगा और टेस्ट बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बीज को निकाल लिया है। और यहाँ पे देखिए मैंने एक एक करके सारे को बीज को बिल्कुल अलग कर लिया है, और अब मैं इसे छोटे पीसों में कट कर दूंगी ताकि जब हम मिक्सर में पीसें तो हमें पीसने में आसानी हो। देखिए यहाँ पे मैंने काट लिया है छोटे पीसों में। ये बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। और अब देखिए हम एक मिक्सर जार लेंगे, और इसमें मैं सबसे पहले तरबूज को डाल देती हूं। ये मिल्क शेक टेस्ट के साथ साथ हेल्दी भी बहुत होता है, तो आप अपने बच्चों को जरूर दें। और ये देखिए मैं यहाँ पे चीनी डाल दे रही हूँ, चीनी मैं कम ही डालूंगी क्योंकि तरबूज मीठा है। अब यहाँ पे मैं क्रीम डाल दे रही हूँ यानी कि मलाई जो मैंने इसमें डाल दी, और अब डाल दूंगी मैं आइस क्यूब। और यहाँ पे मिल्क, और इसको अब बंद कर देंगे ढक्कन से, और इसको मैं अच्छे से पीस लूंगी मिक्सर में। अब देखिए मैंने यहाँ पे पीस लिया है, और मैंने गिलास के ऊपर थोड़ा सा तरबूज लगा के गार्निशिंग कर ली है, और अब मैं गिलास में डाल दे रही हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया तरबूज मिल्क शेक तैयार है, और कलर भी देखिए कितना अच्छा कलर आया हुआ है, और 2 गिलास से थोड़ा सा ज्यादा ही बन गया है। तो देखिए यहाँ पे देखने में भी कितना डिलीशियस दिख रहा है। तो हमारा तरबूज मिल्क शेक बनके तैयार है। इन गर्मियों में एक बार आप इसे जरूर ट्राई करें, अपने बच्चों को जरूर पिलाएं, यह बहुत ही टेस्टी होता है। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि हम जब भी कोई नई रेसिपी आपके लिए लेके आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। और ये देखिए मैं नजदीक से आपको दिखाती हूँ कितना बढ़िया बना है। बाय बाय दोस्तों।